मैं क्या कर रहा हूँ यार, बहुत डिमोटिवेशन, बहुत प्रेशर, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है सर। देखो, दुनिया में दो चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती, ठीक है? पैशन एंड प्रेशर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, कैन नॉट और डज नॉट, जो भी चलेगा, इतना अंग्रेजी नहीं आता मुझे। पैशन एंड प्रेशर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। अगर आप प्रेशर में हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो कर रहे थे वो आपका पैशन नहीं था, कभी भी नहीं था। आप अपने पेरेंट्स के दबाव में या अपने फ्रेंड्स के दबाव में या फिर आपको दुनिया कर रही थी, आपको ऑप्शन नहीं समझ में आया, इसीलिए जो भी रीजन हो आप इस वजह से कर रहे हैं, इसीलिए प्रेशर है। अगर आपका ये काम पैशन होता, अगर ये काम आपका पैशन होता तो कभी भी प्रेशर डेवलप नहीं होता। मैं मान सकता हूं कि कभी कभी आप बहुत पैशनेटली काम कर रहे होते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का, थोड़ा सा मेहनत का थकान होता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है, फ्रस्ट्रेशन एंड प्रेशर नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं यार। नहीं, अगर तुम्हारा काम ये पैशन है तो कभी ये वाली फीलिंग नहीं आएगी, और अगर तुम्हारा काम ये पैशन नहीं है तो तुम प्रेशर में होगे। तो डिसाइड कर लो कि ये तुम्हारा पैशन है, ये तुम्हारा प्रेशर है, डिसाइड कर लो। और अगर तुम बार बार परेशान होते हो, रुकते हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा पैशन नहीं है, तुम उसको प्रेशर में कर रहे हो, और प्रेशर में चीजें नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है। तो सर अब क्या करें, हमारा पैशन भी नहीं था और हम प्रेशर भी नहीं झेल पा रहे, इससे होगा नहीं, तो क्या करें? दो ही रास्ते हैं, या तो रीजन फाइंड आउट करो कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, वो तुम्हारा पैशन बन जाए, अदरवाइज छोड़ दो। क्योंकि देखो ना, मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे बचपन में तुम क्रिकेट खेलने जाते होगे तो दिन भर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप में थक रहे हैं, लेकिन कभी भी वहां पे तुमको महसूस हुआ कि तुम थक गए हो? ये दिमाग ना बहुत ही डैश चीज है। अगर तुम इसको महसूस होने दोगे ना तो ये तुमको बार बार बताएगा, याद दिलाएगा, और अगर तुम इसको महसूस नहीं होने दोगे ना तो ये तुमको पता भी नहीं चलने देगा। अब तुम पढ़ने में बैठते हो, हर आधे घंटे में प्यास लगती है, भूख लगती है, इंटरटेनमेंट चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है। अच्छा, कभी तुमने क्रिकेट खेलते समय ये बोला, यार कोई मोटिवेशन देता ना क्रिकेट खेलने का, तो बहुत मुश्किल होता है यार, 6-6 घंटे खेलना पड़ता है, काश कोई मुझे थोड़ा मोटिवेट कर दे क्रिकेट खेलने के लिए। क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा, अरे यार 3 घंटा क्रिकेट खेल लिया, 2 घंटा और खेलना पड़ेगा, ओहो 2 घंटा और क्रिकेट खेलना पड़ेगा यार? कभी भी ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आया? ईमानदारी से प्लीज इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। क्या तुमने कभी ये बोला कि तुम्हें बाहर कहीं घूमने जाना था, या तुम्हें अपने पसंद का काम करना, जैसे मान लो तुम्हें टीवी देखना है, कोई मुझे मोटिवेट कर दे यार, आज 6 घंटे 2020 की आदत लग गई है, मुझे वनडे मैच देखना है, कोई मुझे मोटिवेट कर दे वनडे मैच देखने के लिए? नहीं, क्रिकेट आपका पसंद है, क्रिकेट आपका पैशन है, आप देखने में ना तो थकते हैं, ना तो आप प्रेशराइज होते हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं। और कभी भी ये नहीं कहते, अरे यार क्रिकेट मैच वनडे है, 3 घंटा देख लिया, 2 घंटा और देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कहते, मजा आता है, थकते तो हाँ भी है, क्रिकेट खेलते समय भी थकते हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप थकते हो लेकिन आपको महसूस नहीं होता है। उसी तरीके से दिमाग को ना पढ़ते समय भी महसूस मत होने दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो या तो डेवलप करो पैशन, इफ योर वर्क इज योर पैशन देन इट विल गिव यू प्लेजर नॉट प्रेशर। जब आपका काम आपका पैशन होगा, आप उसको करके खुश होंगे, छोटी छोटी अचीवमेंट आपको खुशियां देगा, प्रेशर भी देगा।